आप देख रहे हैं एसके न्यूज। हावड़ा जोन के जीएम घनश्याम सिंह ने साहिबगंज दौरे पर स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया तो वहीं उसको चालू करने का निर्देश दिया, तो साथ ही सभी विभागों का निरीक्षण कर समीक्षा की बात को कहा। इस मौके पर संगठन द्वारा मांग पत्र सौंपा गया जिसमें चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ गंगावल समितियां शामिल थी। इसी के साथ जीएम रेलवे का स्टेशन पर एनसीसी के बच्चों ने जोरदार स्वागत किया तो वहीं जीएम ने रेलवे क्वार्टर के साथ यहाँ अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर डीआरएम मोहित सिन्हा भी मौजूद थे। साहिबगंज के बड़ी धर्मशाला में आरएसएस के द्वारा भारत माता पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें स्वयं सेवकों ने शिरकत की। वहीं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर इसकी शुरुआत की गई, तो आयोजन में कविता और अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साहिबगंज नगर के एलसी रोड पर मदरसा अजीजिया में गलत तरीके से भर्ती मामले में मदरसा कमेटी के लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया, तो साथ ही मौलाना शफीकुल हक पर पैसे लेकर अपने पुत्र की गलत भर्ती का आरोप लगाया। अब गलत भर्ती पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजे जाने की मांग की है। जिले के विभूतिपुर प्रखंड के सिद्धिया घाट सिवान चौक पर बाइक की आपस में टक्कर से बाइक सवार अजय कुमार शर्मा की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रखंड के सिद्धिया पंचायत के निवासी के रूप में की गई है। इस हादसे में घायलों को समस्तीपुर रेफर किया गया है। तुम्हें विभूतिपुर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। जालौन कोतवाली के संवेदनशील गांव में एसपी और डीएम ने फ्लैग मार्च निकाला तो वहीं लोगों से निडर होकर मतदान करने की अपील की। इस मौके पर लोगों से किसी भी तरह दिक्कत आने पर प्रशासन की मदद लेने की बात को कहा गया। वल्नरेबल बूथ है, उनके उन पर हम लोगों ने एसपी साहब के साथ हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया फोर्स के साथ में, सीपीएफ की फोर्स के साथ में, ताकि जो हमारे मतदाता हैं उनमें कॉन्फिडेंस हो, वो भयमुक्त होकर मतदान करें। और जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको भी एक मैसेज इससे जाता है कि अगर वो कानून अपने हाथ में लेंगे तो प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। और आज हम लोग एसपी साहब के साथ में, एसडीएम के साथ, एसपी साहब के साथ में हम लोग जालौन कस्बे के जो और भी सेंसिटिव वल्नरेबल गाँव है आज उनका भी हम लोग विजिट करेंगे। सुल्तानपुर में 3 सप्ताह पूर्व महिला के साथ 2,30,000 की जेवर की लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी भतीजे से 4 को हिरासत में लिया। वहीं पुलिस ने इनके पास से 53,000 की नकदी के साथ 2 असली कारतूस और बाइक और फोन बरामद किए हैं। इसमें इनके भतीजे का ही षड्यंत्र निकल के आया है और इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 अभियुक्त अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। 4 अभियुक्तों के द्वारा इसमें जो लूटा गया सामान है उसमें से 53,000 रुपये, 2 अदद तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, इसके अतिरिक्त 4 घटना में प्रयुक्त 4 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल इसमें बरामद हुई है। 1 अभियुक्त की अभी गिरफ्तारी शेष है, संभावित है कि उससे ज्यादा रिकवरी होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा कायम होने का दावा करने वाली राष्ट्रीय लोकदल को उसके गढ़ में ही झटका लगा है। तो वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के महासचिव उपेंद्र सिरोही ने पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं टिकट बिक्री का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया है। इसी के साथ उन्होंने अजीत सिंह को दी गई रकम की वापसी की मांग भी की है। मेरे से पार्टी में काफी फंड वगैरह लिए गए हैं, सभी जिलों पे लेते हैं मेरे से, और पार्टी में डायरेक्ट भी मैंने साहब के उसमें दिया है सीएस प्रेस में। और मैंने व्हाट्सएप के जरिए जैन चौधरी को ये भी बोला है कि मेरा पैसा जो मेरा लिया हुआ है वो वापस कर दीजिए। शाहजहांपुर में चुनाव नामांकन के तीसरे दिन 19 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज कराया तो वहीं अब तक 23 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। नामांकन कराने वालों में भाजपा से बीर विक्रम सिंह कटरा से, तो वहीं सपा से राजेश यादव शामिल हैं। जलालाबाद से भाजपा से मनोज कश्यप, तो वहीं बसपा से नीरज मौर्य ने तिलड़ से अपना नामांकन दर्ज कराया है। तो वहीं बसपा से नीरज मौर्य तिलड़ से अपना भाग आजमा रहे हैं।